जो मैं बता रहा था आपको टेस्ट के बारे में, इसके अगेंस्ट बहुत सारे देशों में कोर्ट केसेस हुए हैं जहां पे हम जैसे लोग जीते हैं। तो पोर्टुगल में कोर्ट केस हुआ था जहां पे वी वन, सन वी लिटरली वन, द कोर्ट सेड कि पीसीआर को आप यूज नहीं कर सकते इन्फेक्शन डायग्नोस करने के लिए। पोर्टुगल का सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आप जाके पढ़ सकते हो। सेम थिंग विद डच कोर्ट, सेम थिंग विद ऑस्ट्रेलिया, इन सारे कोर्ट्स ने रूल किया पीसीआर के अगेंस्ट कि आप इसको डायग्नोसिस के यूज कर नहीं सकते एसिम्प्टोमेटिक। ये कब हुआ, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया ब्लैकआउट, अच्छा वीरम यार बोलिस, कितने लोगों ने सुना कि दुनिया भर में, यूके में, यूएस में, यूरोपियन देशों में लाखों की तादाद में लोग सड़क पे निकले हैं इन सारी चीजों का विरोध करने के लिए। एंड दिस जो हमें दिख नहीं रहा, दिखाई नहीं जा रहा, दिखाया नहीं जा रहा बिकॉज द मीडिया आल्सो बीइंग फंडेड बाय द सेम पीपल जो इसको पुश कर। सो यू नो एंड दे आर बीइंग पेड नॉट टू शो अस दिस स्टफ, व्हाट क्या सच में क्या चल रहा है। ये लोग बस पूरे टाइम वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, केसेस डेथ्स इसके बारे में बात करते रहते हैं। सो द होल कॉन्वर्सेशन इज फोकस्ड देयर, और जो भी कोई इसके अगेंस्ट आवाज उठा रहा है, मतलब यू नो आई एम सो ग्लैड यू ब्रॉट मी ऑन टू गिव मी एक्सपोजर टू ऑडियंस, बिकॉज मेरे लास्ट ईयर कितने सारे वीडियोस हटाए गए। मैंने मास्क पे वीडियो बनाए, वैक्सीन पे वीडियो बनाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझने के लिए, यूट्यूब पर स्टैंड नाउ। ओके, इंस्टाग्राम ने भी एक दो बार मेरे पोस्ट निकाले हैं। यार टेकिंग इट आउट फॉर अ रीजन, लोगों को फिर जो भी से चीज समझाइए। अगेंस्ट जाती है, जो भी चीज डब्ल्यूएचओ के अगेंस्ट जाती है, ये लोग उसको निकाल रहे हैं ऑनलाइन। यूट्यूब का ऑफिशियल पॉलिसी, अगर आपका यूट्यूब अकाउंट है और आप मास्क या वैक्सीन के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपका वीडियो टेक डाउन होकर आपको ईमेल में आएगा कि दिस वीडियो गोज अगेंस्ट कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स बिकॉज आप डब्ल्यूएचओ या लोकल हेल्थ अथॉरिटीज की गाइडेंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। और ये सेम डब्ल्यूएचओ, सर आप डब्ल्यूएचओ की हिस्ट्री के बारे में अगर जानते नहीं हो तो ये सेम डब्ल्यूएचओ है जिसको एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ऑफ यूरोप ने गिल्टी साबित किया था 2009 में, जब स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक आया था। ये लोगों को जानने की बहुत के लिए, जब 2009 में स्वाइन फ्लू का स्केयर पैदा किया गया था, तब एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी यूरोप ने बेसिकली ये कहा था कि डब्ल्यूएचओ ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ कॉन्स्पिरेसी रची थी केसेस बढ़ाने के लिए और वैक्सीन बेचने के लिए डर बना के। तो वो टाइम पे कि ये लोग एक्चुअली इन्होंने टेस्ट करना बंद कर दिया था, पर ये लोग केसेस एस्टिमेट्स के बेसिस पे अनाउंस कर रहे थे। तो ये लोग बोल रहे हैं अभी स्वाइन फ्लू के 1 मिलियन केस है, 2 मिलियन केस है वर्ल्ड वाइड, पर इन्होंने बैक साइड पे टेस्ट ही करना बंद कर दिया था। सो बेसिकली एस्टिमेट के बेसिस पे ये लोग डर, मतलब आप अभी देख रहे हो ना केस, अभी तो एक्चुअली में भी टेस्ट हो रहा है, पर वो टाइम पे उन्होंने करना बंद कर दिया था, एस्टिमेट पे जा रहे थे। सो दैट वाज द फ्रॉड दैट दे गॉट कॉट फॉर। उनका कंक्लूजन यही था कि डब्ल्यूएचओ ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को वैक्सीन प्रमोट करने के लिए ये बेसिकली स्कैर पैदा किया। सो डब्ल्यूएचओ ने पास में ये है, ये दूध के धुले नहीं है, मतलब यू नो साइंस लोगों को ये समझने की जरूरत है। जो मेन स्ट्रीम साइंस है उनको पैसा देकर करप्ट किया जा सकता है, पैसे से कोई भी मतलब इंस्टीट्यूशन करप्ट किया जा सकता है, और ये हमने देखा है कि पास में डेफिनेटली हुआ है। सर मेरी थॉट्स, या आई टोटली अग्री विद यू। वन वेरी कनेक्टेड टू दिस, इसी के साथ कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप ये सोच के देखिए कि फार्मेसीज में दवाइयां भी बिकती है, साथ में चॉकलेट्स, कोका कोला, चिप्स और ये सब चीजें भी बिकती है, जबकि उनका इंटेंशन होना चाहिए आपको ठीक करना। तो वहाँ पे ऐसी चीज, ऐसे जंक फूड क्यों बिक रहे हैं जो प्रोसेस्ड फूड और प्रिजर्वेटिव्स के साथ, जो आपको जो 100% कैंसरस है अगर आप उसको खाते रहेंगे तो। आप अगर आपको अभी भी लगता है ये सब खाना बहुत नॉर्मल है, चॉकलेट, चिप्स एंड बिस्किट एंड ऑल दैट, देन डू वन थिंग, आप पूरा दिन सुबह से रात तक सिर्फ बिस्किट, चिप्स और चॉकलेट खाइए फॉर 1 मंथ एंड टेल मी व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी, अगर आपको कैसी फीलिंग आती है, अगर लोगों को विश्वास नहीं होता। ऑल यू नीड टू ईट, ये अच्छा अबाउट एडवर्टाइजमेंट्स, व्हाई जंक फूड सबसे ज्यादा एडवर्टाइज होता है, करेक्ट? एक्चुअली जंक फूड ही एडवर्टाइज होता है, नॉट सबसे ज्यादा, करेक्ट? सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला, ऑल दीज ब्रांड्स, मैकडॉनल्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, या लेकिन सब्जियां, फ्रूट्स, इनको एडवर्टाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली जरूरत भी नहीं है, सबको पता ही है कि ये सब यही चीजें जो हमें खानी चाहिए, लेकिन वो आपको इतना एडवर्टाइज करके आप सबको अंधा कर दिया है कि आपको दिख भी नहीं रहा कि आपके आगे क्या है और आपको क्या खाना चाहिए। तो प्लीज गाइस जस्ट थिंक अबाउट दिस कि जो भी फार्मेसीज और ये सब क्या सेल कर रहे हैं, अगर उनका इंटेंशन अच्छा है आपको ठीक करना है तो उनको वो सेल एक्चुअली नहीं करना चाहिए, और उनका दवाइयां भी वो सेल करनी चाहिए जो 100% सेफ है आपके लिए, लेकिन लोग दवाइयां लेके भी बीमार हो रहे हैं। तो प्लीज यहाँ से आप सोचिए, डू योर रिसर्च, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन करो, रीजन करो, प्लीज गाइस। अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि बिकॉज हम लोग जो सेकंड वेव की बात कर रहे थे और हम वेरिएंट के बारे में भी वी शुड से अ कपल ऑफ थिंग्स। सो मेरे हिसाब से वेरिएंट्स, अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, मतलब इट्स वेरी अनलाइकली कि आप इतना घूमे हो लास्ट ईयर और आप कोरोना वायरस के एक्सपोजर में अभी तक आए नहीं हो, आप इसे छुप नहीं सकते। रेस्पिरेटरी वायरस है, ये बहुत वाइड स्प्रेड होते हैं, ये एरोसोल पार्टिकल्स पे घूमते हैं, मतलब ये ड्रॉपलेट से नहीं घूमते पर एरोसोल पार्टिकल्स पे ट्रैवल होते हैं। सो ये हाईली अनलाइकली है कि आप इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आए, और आप इसके कॉन्टेक्ट में अगर आए हो तो आपके इम्यून सिस्टम ने इसके अगेंस्ट कुछ प्रोटेक्शन ऑलरेडी बनाई है। सो जो वेरिएंट आ रहे हैं इनका अगर आप देखोगे तो जेनेटिक स्ट्रक्चर, सोचो आप, ये इतना जेनेटिक स्ट्रक्चर है, अभी वो वेरिएंट बेसिकली जेनेटिक स्ट्रक्चर का फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है, मतलब अगर 100% जेनेटिक स्ट्रक्चर है तो चेंज 1% से भी कम में आ रहा है, इनफैक्ट 0.1% चेंज आ रहा है। तो उतना कम चेंज आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इम्यून सिस्टम टोटली उसको भूल जाएगा और ये नया बन गया, द चेंज इज वेरी स्मॉल। सो जो इम्यून बात की जा रही है कि अभी जो वैक्सीन वेरिएंट्स आने वाले हैं वो हमारी वैक्सीन को इवेट कर देंगे, ये झूठ ये लोग क्यों फैला रहे हैं? एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो आपका इम्यून सिस्टम मोस्टली वायरस को रिकॉग्नाइज कर पाएगा और उसे डील कर पाएगा, तो वेरिएंट्स को इतने, और मोस्ट लोग वेरिएंट से नेचुरली ही इनकी एंटीबॉडी जो बनी है वो इनके अगेंस्ट काम करेगी। पर ये बेसिकली क्या करना चाहते हैं कि दे वांट टू पुश रिकरिंग वैक्सीन ऑन पीपल, ये लोग हर 6 महीने हर साल वैक्सीन देना चाहते हैं। सो इसके लिए वेरिएंट इतने मतलब इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बिकॉज ये वेरिएंट्स बनते जाएंगे, वायरस जैसे हर साल डॉग्स को वैक्सीन दिया जाता है वैसे हमारे साथ करना चाहते, करेक्ट? सर हम ये एक एक्सपर्ट है, ऑफकोर्स जो करेक्ट बोलता है, बट एक्सपर्ट गीत वैन डेन बॉश, इसके बारे में लोग जाकर रिसर्च कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि वायरस हर 10 घंटे म्यूटेट होता है, एवरी 10 आवर्स देयर इज सम चेंज ओके हैपनिंग इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर। सो आप सोचो कि जब इतना आरएनए वायरसेस बहुत म्यूटेट होते हैं, ये आरएनए वायरस तो वो चेंज होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, चेंजेस बहुत छोटे रहते हैं बट दे कीप हैपनिंग, और ओवर टाइम दे बिकम बिगर चेंजेस लाइक ओवर 10 इयर्स। सो बिकॉज ऑफ दिस नाउ ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको हर 6 महीने हर साल वैक्सीन लगाना पड़ेगा, और ये वैक्सीन का द बिगेस्ट रिस्क विद दिस ऑफ कोर्स यू नो द वैक्सीन कॉजिंग डैमेज रिकरिंगली। और ये मतलब ये बेसिकली क्या हो रहा है अभी कि ये लोग देख रहे हैं कि वैक्सीन 2 लगने के बाद भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर सेइंग के वेरिएंट आ गया और वेरिएंट ने मतलब वैक्सीन को उससे बच गया और अभी आप रीइंफेक्ट हो रहे। सो ऐसे ही चलते ही रहेगा, आप वैक्सीन लगाओगे वायरस चेंज हो गया उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, फिर ये नया वैक्सीन निकाल के। सो ये साइकिल है, ये एक माइंडसेट है जो अभी ये लोग फैलाना चाहते हैं, और ये लोग वैक्सीन पासपोर्ट सेल करना चाहते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, हमारी खुद नीति आयोग के लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपको आपका बिजनेस खोलना है, महाराष्ट्र में ये लोग बात कर रहे हैं कि अगर दुकानों को अगर फिर से चालू होना है तो उनको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आपको ट्रैवल करना है क्रॉस बॉर्डर तो आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब अभी कैसे ये लोग पीसीआर टेस्ट यूज कर रहे थे। तो अभी तक पीसीआर टेस्ट और मास्क ट्रेनिंग था हमारे लिए कि आप मास्क लगाओ तो आपको दुकान में एंट्री मिलेगी, आप टेस्ट करो तो आपको स्टेट में जाने मिलेगा। दिस इज ऑल प्रोग्रामिंग अस अभी के स्टेज के।
नाउ वी कैन इजीली एक्सेप्ट कि उन सबको रिप्लेस कर दो वैक्सीन से एंड यू सी हाउ फास्ट दे कैन रिप्लेस लाइक इट्स बैली द वैक्सीन हैव बीन आउट और ये लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि राशन के लिए वैक्सीन दुकान खोलने के लिए वैक्सीन एम्प्लॉयमेंट के लिए वैक्सीन सो ऐसी चीज लोगों पे फोर्स की जा रही है और ये सारी चीजें एसेंशियल है ट्रैवल करना एसेंशियल है जीने के लिए एम्प्लॉयमेंट एसेंशियल है जीने के लिए इसको करे बिना कोई जी नहीं सकता आप बस घर में बैठ के आइडियली ऐसे जी नहीं सकते राइट सो बिकॉज ऑफ दिस ये लोग वैक्सीन पासपोर्ट का इनका एजेंडा है कि लोग पुश करना चाहते हैं वो एंड व्हेन दैट कम्स ऑलमोस्ट एवरीवन विल बी फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू गेट वैक्सीनेटेड और इसके जरिए बहुत लोगों की तबियत बिगड़ने वाली है मेनी पीपल आर गोना फॉल सिक मेनी पीपल आर गोना डाई बिकॉज़ ऑफ दैट एंड दे आर गोना ब्लेम ऑल ऑफ दैट ऑन कोविड सो अभी के सिनेरियो में सनम दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हम लोग सेकंड वेव की बात कर रहे थे तो जो स्ट्रेस बन रहा है अभी हॉस्पिटल्स पे व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट हमने शुरुआत में बोला था कि विल कम टू इन द एंड बट उसके रीजंस क्या है ये तो एक है हमने डिस्कस किया कि देयर आर मेनी मेनी हेल्थी पीपल जो टेस्ट पॉजिटिव आके डर जा रहे हैं उनकी फट रही और वो लोग जाकर फालतू का आई नो एज आई नो सो मेनी केसेस इनको बस पॉजिटिव टेस्ट आया कोई लक्षण नहीं है एंड डॉक्टर उनको जाके एडमिट हो जाओ लोगों को बस नॉर्मल सर्दी जुकाम है वो जाके टेस्ट करा रहे हैं उनको लग रहा है ये हो जाएगा और जब लास्ट ईयर वो घर पे बैठ के यू नो क्रोसिन वोसिन वगैरह लेके वो ठीक हो गए होते बट दिस ईयर बिकॉज इतना डराया गया है कि जो बहुत सारे लोग सर्दी जुकाम के लिए भी गोइंग टू हॉस्पिटल बिकॉज इसके फियर बहुत सारे लोग जिनको हॉस्पिटल नहीं चाहिए वो जाके वहाँ पे प्रेशर बना रहे दूसरी साइड पे बहुत सारे लोग वैक्सीन से डैमेज हो रहे हैं ना ये गवर्नमेंट ने आपको डेटा नहीं दिख रहा बट बिकॉज मेरे मतलब इन्हों काफी हजारों लोग मुझे फॉलो करते हैं मैंने यू नो लास्ट वीक में बहुत सारे सर्वेज निकाले क्या हमारे आपके एक्सपीरियंस हमें बताओ कि आपको वैक्सीन लेने के बाद व्हाट हैपेंड यू नो टू योर फैमिली मेंबर आपके रिलेटिव क्या हुआ सो व्हेन वी सॉ दैट आई वाज रियली सरप्राइज्ड बिकॉज व्हाट आई सॉ इज दैट ऑल्दो सम पीपल वर देयर हु सेड कि वैक्सीन लगाने के बाद व्हिच इज फाइन बट मेनी मेनी पीपल वर सेइंग कि यू नो मेरा रिलेटिव परफेक्टली फाइन था वैक्सीन लेने के पहले और वो लगाने के बाद बीमार हुए और फिर पूरी फैमिली बीमार हुई ये स्टोरी मैंने बहुत सारे इनके हाथ पैर काम करना बंद कर रहे हैं इनको यू नो कोविड हो गया और इनको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है और बहुत सारे लोग लिंक ही नहीं बना रहे बिकॉज इतना बोला गया है वैक्सीन सेफ है वैक्सीन सेफ है वैक्सीन सेफ है अगर वैक्सीन लेने के बाद किसी को कुछ होता है वो उनको इग्नोर करना है कि नहीं वैक्सीन तो ले लिया सेपरेट इवेंट है अभी मुझे कुछ नया हो रहा है मेनी पीपल वांट टू थिंक लाइक दैट बिकॉज उनको ये कंसीडर नहीं करना कि मे बी वैक्सीन में कुछ प्रॉब्लम था राइट तो इसकी वजह से अभी हॉस्पिटल से एडिशनल बर्डन बन रहा है आप देखोगे तो जो सेकंड वेव है सेकंड वेव कोइंसाइड विद द वैक्सीन डोला मतलब जब हमारे केसेस गिर रहे थे लाइक से फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स दे वर फॉलिंग ऑगस्ट सितंबर ऑनवर्ड्स केसेस गिरने लगे थे लॉकडाउन के 2 महीने बाद जैसे मैंने बोला और अभी जाके दिसंबर जनवरी तक पिकअप सो वैक्सीन जैसे शुरू हुआ है केसेस में आप देखोगे तो कॉन्ग्रुएंट देयर हैज बीन अ राइज सो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द वैक्सीन स्टार्टिंग द वैक्सीन ड्राइव स्टार्टिंग और ये सेकंड वेव की शुरुआत तो बेसिकली डराना तभी शुरू हुआ जब वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुआ एग्जैक्टली और ये लोग अभी हमें डरा क्यों रहे हैं बिकॉज दे वांट अस टू टेक द वैक्सीन अभी आप देखोगे 3-4 महीने पहले तक इतना कोई डर नहीं रहा था अगर वो मामला भी होता सो मोस्ट पीपल वुड नॉट टेक द वैक्सीन दे लाइक अभी सब ठीक है सब खुल गया है हर्ड इम्यूनिटी आ गई है क्यों लेना वैक्सीन बट स्टार्टेड द होल फियर साइकिल अगेन सो बिकॉज ऑफ विच ये सब हो रहा है तो इतने सारे फैक्टर्स से हॉस्पिटल्स पे जाके शॉर्टेज बन रहा है लोग लिटरली हॉर्ड कर रहे हैं अभी ऑक्सीजन बहुत लोग हॉर्ड कर रहे हैं रेमडेसिविर की सप्लाई हॉर्ड की जा रही है इसकी वजह से शॉर्टेज और बढ़ रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है सब चीजों का और फिर जाके पूरा नैरेटिव बन रहा है सिंपल सा नैरेटिव बन रहा है कि इतने सारे लोगों को केस हो रहा है और इतने सारे लोगों को चाहिए इसके लिए शॉर्टेज है बट जो अलग अलग फैक्टर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको कोई कंसिडर कर नहीं रहा बिकॉज लोग सिर्फ इमोशन पे सोच रहे हैं लोग इसके बारे में पॉजिटिवली नहीं सोच रहे अभी बस डरा के रखा है कि नया म्यूटेंट आ गया इसकी वजह से ये सब हो रहा है बट द वायरस इज अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑल्दो आई एम सेइंग दैट यस द वायरस इज गोइंग अप और अभी इन्फेक्शन मतलब यू नो फेयर है लोगों में बट एज आई सेड इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है और मोस्ट लोग ठीक हो सकते हैं और बहुत सारे अप्रोचेस हैं जिसको हम नेचुरली अगर एड्रेस करेंगे तो हम इसको अपने हाथों में अपनी हेल्थ को कंट्रोल में कर सकते हैं सो दैट इज अ वेरी स्मॉल फैक्टर बट ये जो वैक्सीन का रोल आउट है और जो डायग्नोसिस का प्रॉब्लम है इसके वजह से जाके बहुत लोड बढ़ रहा है हॉस्पिटल्स पे एंड देन आई मीन आई फील सैड आई सी सो मेनी डॉक्टर्स सॉबिंग एंड सेइंग कि हम लोग पेशेंट्स को लूज कर रहे हैं और हमें ऑक्सीजन चाहिए उनके लिए बट बिकॉज इतने सारे लोग आके ऑक्यूपाई कर रहे हैं जिनको नहीं चाहिए उसकी वजह से ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है सो डेफिनेटली इवन ऑन अ वेरी मेन स्ट्रीम लेवल माय एडवाइस वुड बी कि आप डरो मत यू नो जस्ट बिकॉज आपका पॉजिटिव आया है इसका मतलब ये नहीं आप पेशेंट हो पॉजिटिव टेस्ट जैसे मैंने बोला केस और पेशेंट इज नॉट द सेम आप पॉजिटिव टेस्ट आ सकते हो बट यू कैन बी परफेक्टली हेल्दी एंड यू कैन हैव अ फ्यू आप में बहुत सारी अलग चीजें हो सकती है अगर आपको सिम्टम्स है भी पॉजिटिव टेस्ट आया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना वायरस है सर यू हैव एडिशनल थॉट्स सॉरी यू हैव एडिशनल थॉट्स No, you completed everything. मतलब you मतलब आपने जो पूरा I think complete कर दिया इसमें जो भी बोला था मैं जो add करना चाहता हूँ वो अलग चीज़ है वो तो but yeah but first you complete then I'll continue. Yeah, so I mean ये मुझे mainly explain करना था कि ये second wave का जो narrative बनाया जा रहा है ये अलग अलग कारण से हो रहा है it's not just the virus going around. ये दूसरे कारण जो हमने discuss किए इस पे भी और लोगों को सोचना चाहिए और to be honest ये problem को अगर हमें कम करना है if we want oxygen मतलब oxygen की capacity बढ़ जाए supply और मिले लोगों को beds बढ़ जाए तो जो diagnosis का criteria है उसको change करना ही पड़ेगा we have to stop testing healthy people तो cases उससे अगर हम healthy लोगों को test करना बंद करेंगे तो उससे ही 85-95% cases गिर जाएंगे cases will go up और आपका बॉडी का अगर हमें कोई बिलीव नहीं करता ये करके ही पता चलेगा कैसे कैसे करेंगे आई मीन लाइक यू नो यू हैव एवरीथिंग दैट यू सेइंग आई लाइक एवरीथिंग दैट यू सेइंग आई बिलीव इन यू हैव या एवरीथिंग दैट यू से बिकॉज़ जो भी यू बोल रहा है वो फुल रिसर्च के साथ बोल रहा है जो भी बोल रहा है हम उसके लिंक्स भी दे देंगे आप सबको ताकि आपको लगे कि ऐसी कुछ भी बना के नहीं बोल रहा ठीक है सारे फैक्ट्स हैं फ्रॉम प्रॉपर पीपल फ्रॉम प्रॉपर रिसर्चर्स फ्रॉम प्रॉपर साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स उन सब का रिसर्च किया हुआ यूहान ने देखा अच्छे से खुद स्टडी किया फॉर इयर्स एंड कोविड का स्पेशली जब से शुरू हुआ यूहान रिसर्च कर रहा है सो एनीथिंग दैट ही सेइंग डू नॉट टेक इट एज इट इज वो कि कुछ भी बोल रहा है ओके दिस इज द रीजन व्हाई वी डूइंग दिस वी नीड टू शेयर वेरी ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू एंड दैट्स व्हाट दैट्स आवर एम टू सेव एज मेनी पीपल एज पॉसिबल हम आप सबको हेल्दी देखना चाहते हैं हम आप सबको एकदम खुश देखना चाहते हैं उसके लिए कर रहे हैं लाइफ चैट और जस्ट थिंक आई मीन लाइक जो भी देख रहे हैं जस्ट थिंक हमारा इंसेंटिव क्या है हम इससे पैसा नहीं कमा रहे वी आर नॉट लाइक मोस्टली हमें गाली मिल रही है लास्ट ईयर से मुझे गाली मिल रही है So, it's okay, it's okay. We want to save even the जो हमें गाली दे रहा है I'm not saying from a sympathy perspective. I'm just saying कि ये करने का हमारा मोटिव क्या है? We are not doing it for money. You know, like कोई ज़्यादा fame नहीं मिल रहा. मतलब you know, you're already famous because of other reasons. But I'm saying like it's not because of this that I'm getting some additional extra fame or something. Mostly लोग जो mainstream population है, 90-95% of people, this is crazy. This is crazy. So with I'm gonna call जो भी हम कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें कोई इतना you know
कोई टाइप का बेनिफिट नहीं मिला, देयर इज डूइंग दिस बिकॉज कुछ चीजें सच है जो हमें लगता है आपसे छुपाई जा रही है एंड देयर दैट्स गोइंग टू प्ले अ फंडामेंटल रोल इन आपकी जो फ्यूचर होने वाला है, जिसकी मैं अभी एंड में जस्ट रैप ऑल ऑफ दिस अप मैं वहां पे एंड करना पसंद करूंगा कि यू नो हम बात करना चाहेंगे कि ये वायरस के नाम पे दूसरे क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्योंकि लोग सिर्फ वायरस पे फोकस है वो दूसरी चीजों को देख नहीं रहे जो एक्चुअली में काफी डेंजरस है और यू नो जो हमारी लिबर्टीज को थ्रेटन कर रही है, हमारी फ्रीडम्स को फ्यूचर में थ्रेटन कर रही है। सो आई वुड लाइक टू एंड विद दैट। और मैं बस मेन चीज इतना ही बोलना चाहता हूँ कि देखो जो लोग हैं जो टोटली वायरस से मानते भी है और उनको लगता है कि बहुत ही डरावना वायरस है, स्केलिंग मेनी पीपल फाइन यू नो यू कैन बिलीव दैट, बट मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि दुनिया में कुछ पावरफुल ताकतें हैं जिन्होंने अपना वेल्थ और पावर बहुत समय से कंसोलिडेट किया है और ये लोग ऐसे इवेंट्स का वेट करते हैं जब या वो इवेंट्स रियल हो या पूरी तरीके से स्टेज हो, यू नो ये लोग ऐसे इवेंट्स का वेट करते हैं जहां पे वो उसका फायदा उठा के उसके जरिए उनके एजेंडा पुश कर पाए। सो एक्चुअली में भी अगर वायरस है और इट्स अ डेडली वन तो भी इस पे कुछ पावर्स कैपिटलाइज करेगी, उसके बारे में मुझे बात करनी है। आई वांट टू ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रेट रीसेट।